सो so, टेक्नोपोत्री कैमरा टेस्ट एंड कैमरा रिव्यू तो कहीं आज मैं स्पेशली इस, इस टेक्नोपॉरी के कैमरा टेस्टिंग को लेकर को शॉपिंग में कवर करने वाला वालों यहां पे मेरा रिव्यू शेयर करूंगा कैमरा के साथ में कि एक्जैक्टली अगर आप इस टेक्नोपॉथ्री को परचेस करते हो या परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो इसमें आपको कैमरास में क्या क्या सेटिंग्स मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जो मैंने कैम टेक्नोलॉत्री के साथ में स्पेंड किया है लास्ट एक महीने तक का कैमरा के रिलेटेड सोनाओ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर टेक्नोपाल है ये जो स्मार्टफोन है ये आपको एमेजन पर इजिली अवेलेबल मिल जाएगा ये स्मार्टफोन आपको दो वेरेंट में अवेलेबल मिलता है फोर जी रैम एंड सिक्स जी रैम तो ये जो

पोवा वाले सीरीज स्मार्टफोन में ज्यादा पसंद होता है बिकॉज ये जो स्मार्टफोन होते हैं पहली बात तो ये बजट सेगमेंट में आते हैं कम प्राइस में और कम प्राइस में इनमें जो फीचर्स मिलता है वो ऑफिसी बात है पैसा बोस्ट फीचर होता है तो इसमें मैं जाता केसेस में जो मेरे पास स्मार्टफोन पढ़े इन्फेक्स के वो नोट सीरीज वाले स्मार्टफोन पढ़े और टेक्नो के जो टेक्नो पोआ टेक्नो पोआ टू और टेक्नो पोआ थ्री तो ये तीनों स्मार्टफोन मेरे पास अवेलेबल है बिकॉज मुझे पसंद है तो यहाँ पर जो टेक्नो पोधे का जो कैमरा है इसके साथ में मैंने एक महीने का टाइम स्पेंड किया है तो जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑब्वियस बात है एवरेज से ज़्यादा बेटर है यानी कि इसका कैमरा क्वालिटी टेक्नो पोवा टू के कंपेयर में ज़्यादा बेटर है साउंड क्वालिटी में ज़्यादा बेटर है तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इसके कैमरा के सेटिंग्स में जाओ तो टोटली तो इसके कैमरास में आपको टोटल इतने सारे फीचर्स मिलता है पहले बात तो ये कि शॉर्ट वीडियोस का ऑप्शन मिलता है वीडियोस का ऑप्शन मिलता है एआई कैमरा मिलता है ब्यूटी पोर्ट्रेट सुपर नाइट तो यार नॉर्मल से कैमरास के सेटिंग अगर आप इसके वीडियो के सेक्शन में जाओ तो यहां पर आपको नॉर्मली केसेस में आप टू के वीडियो मैक्स मैक्स इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं टू के टेन डीपी पी और उसके बाद अगर सेटिंग्स में जाओ तो सेटिंग्स में इतने सारे कैमराज के ऑप्शन मिलते हैं सटे साउंड के आई ऑटो फोकस के कस्टम वॉल्यूम की वॉल्यूम्स दैट्स इट तो अब इसके बाद यहाँ पर अगर वीडियो सेक्शन में जाओ तो शॉर्ट वीडियो ए आई कैमरा ब्यूटी पोर्ट्रेट सुपर नाइट एआर शॉर्ट पैनोमा अल्ट्रा एच डॉक्यूमेंट स्लो मोशन मोशन स्लो मोन ऑफिस में इजिली

में फोटोग्राफ्स को से ये अभी होगा। तो जब मैं तीन बजे कर रहा करो तो यहाँ पर अगर यहाँ पे व्हाइट वाला जो टेक्सचर है ऐसा करूँ तो नॉर्मली जो चमबे है वो वाइट तो तो वाला टेक्सचर दिख रहा है और ये, बेसिकली मोबाइल का कोई फोल्ड नहीं है बेसिकली सारे स्मार्टफोन्स में ऐसी होता है तो सनलाइट्स इफेक्ट इसमें ज्यादा पड़ता है अगर आप दोपहर के टाइम पर इसमें फोटो को क्लिक करते स्टूडियो में हूँ तो इसलिए व्हाइट लाइटिंग कंडीशन को ज्यादा दिख रहा है तो अभी से बात है अगर आप बाहर जाओगे तो ये आपको सनलाइट में ज्यादा बेटर क्वालिटी वाला पिक्चर देगा तो ये बिकॉज सनलाइट में बहुत ज्यादा करता है अब उसके बाद यहाँ पे है ब्यूटी का ब्यूटी में भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पर अभी देखोगे लाइटिंग कंडीशन थोड़ा सा कम हो गया राइट पोर्ट्रेट में यहाँ पर से, पोर्ट्रेट में यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है और यहां पर फोकसिंग मोड ये एक्चुअली मैं इसे फील नहीं कर पा रहा हूँ तो ये पोर्ट्रेट है यानी कि इस अब इसी बात है बैकग्राउंड पर ब्लर होना चाहिए तो अगर मैं इसको मैं मैं यहाँ पर पूरी तरीके से कैप्चर करता हूँ यहाँ पर तो बैकग्राउंड को ये ब्लर करता है लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है वो उतना क्विक नहीं है बट फिर भी कभी कभी डिपेंड करता है राइट और यहाँ पर ये मुझे पर्सनली जो सुपर नाइट वाला जो फीचर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इसमें जो पिक्चर क्वालिटी आती है वो ज़्यादा बेटर आती है और अब इसी बात है ट्रस्ट में ये ये जो फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेशली टेक् स्मार्टफोट में अब यहाँ पर इसका क्लिक करके कोई भी एक फोटोग्राफ को क्लिक करते हैं तो करतेट्स एग्जांपल के में ये फोटो है तो मैं इसका यूज करके कोई भी एक रैंडम सा फोटो ले लेता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूँ और यहाँ पर अभी मैंने इसका ए आई कैमरा का यूज करके फोटो ले रहा तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये बीच में ब्लर कर रहा है राइट यानी कि प्रॉपर रिस्पॉस नहीं कर रहा तो है लेट्स में क्लिक करता हूँ सो क्लिक करने के बाद एक्जैक्टली इसका जो यूज है वो आपको ऐसा किया तो देखोगे इसने पिक्चर क्वालिटी इतना ज्यादा बेटर लिया नहीं है बट फिर भी फोकसिंग का यहाँ पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पूरी तरीके से मैंने इसको जूम किया है और यहाँ पर अब जो ब्लर इफेक्ट है वो ज्यादा दिख रहा है राइट अब यहाँ पर दूसरा ब्यूटी इफेक्ट का यूज करते हैं तो ब्यूटी का यूज करने के तो ब्यूटीफिक में इसमें प्रॉपर तरीके से इसने जो पिक्चर है उसको कैप्चर किया यहाँ पे मैं क्लिक करूँ क्लिक करने के बाद यू कैन सी राइट हियर तो अब यहां पर मैंने इसको जूम किया है जूम करने के बाद तो ये जो इफेक्ट है ना ब्यूटी में इवन ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर जूम करने के बाद जो ब्लर इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है और ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज जितना ज्यादा ब्लर होगा उतना पिक्चर क्वालिटी इतना ज्यादा बटर नहीं आएगा और जितना लू होगा उतना पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा बटर आएगा वैसे जब भी मुझे टेक्नोपोर्ट रही में कोई भी फोटोग्राफ को क्लिक करना होता है तो मैं ज़्यादातर किस में जो फीचर यूज़ करता हूँ वो सुपर नाइट वाला फीचर है चाहे डे लाइट हो या नाइट लाइट में हो बिकॉज सुपर नाइट एक ऐसा फीचर है फोटो क्लिकिंग के लिए जिसमें ये फोटो का जो क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है और ये एक्सपीरियंस है मेरा स्पेशली इस सुपर नाइट फीचर के साथ में तो अगर आप इसमें देखो कि मैं अभी सुपर नाइट फीचर का यूज़ करूँ और जो क्वालिटी है वो पूरा का पूरा क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है प्रोसेसिंग के लिए टाइम लेता है तो यहाँ पर अगर देखोगे तो प्रोसेसिंग के लिए टाइम ले रहा है लेकिन ये ऐसे में पिक्चर की क्वालिटी को ज़्यादा बेटर करता है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पूरी तरीके से उसने पिक्चर को कितना ज्यादा बेटर इम्प्रूव किया और जो ब्लर इफेक्ट है वो बहुत ही ना के बराबर है राइट तो ये चीज़ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है तो अब यहाँ पर इसके फोटो क्वालिटी को और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे क्लिक किया है जो अभी जो आप लोगों को पसंद आएगा जिसमें डे डे के भी कुछ फोटोग्राफ्स है नाइट के भी कुछ फोटोग्राफ्स है जिससे आपको आइडिया जाएगा इन स्मार्टफोन्स के फोटो क्वालिटीज को लेकर तो लेट सारे फोटोग्राफ्स को एक बार एक चेकआउट करते हैं सो लेट्स चेक इट आउट सो so गाइस ये जितने भी सारे अपने फोटोग्राफ्स देखे हैं ये सारे के सारे मैंने इस टेक्नोपोत्री को लेकर कैमरा को यूज करके और नाइट वाले फीचर का यूज करके मैंने क्लिक किया है तो आई होप आपको पिक्चर पिक्चर क्वालिटीज आपको कैसे लगे स्मार्टफोन्स के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सो so, ये जो इसी एक बेसिक टाइप का मैंने कैमरा टेस्टिंग किया अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल में प्रो लेवल पर कैमरा टेस्टिंग का टॉपिक कवर करूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया मैं इसका कैमरा टेस्टिंग का टॉपिक जरूर कवर करूंगा इस टेक्नोपाल को लेकर सो यह था इस का कैमरा टेस्टिंग एंड रिव्यू आई होप लाइक दिस थैंक यू